Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो खैर नहीं है, नक्सलिज्म पे जल्दी जल्दी बात करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, इसमें मतलब बड़ा टू द पॉइंट टाइप से ये डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? नोट्स वोट्स उसमें तो आपको मिल ही जाएंगे, उसी में इनकलकेट करना केस स्टडीज को, या बोलोगे तो मैं नोट्स बना के दे दूंगा प्रॉपरली। अभी हैप्पी जार टाइप बात कर रहे हैं, बट है ना, नोट्स बना के दे दूंगा मैं टू द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग ऐसे में इंटरव्यू में कहीं पे यूज कर सको इन बातों को, माय पॉइंट इज दैट। बाकी तो पॉइंट्स आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, कितने सिटी हैं, कितने क्या है, कितना पैसा है, वह वो सब। नक्सलिज्म पे कैसे बात करें? अच्छे से हाँ, हाँ देखो, मतलब डिटेल में चाहो तो यूट्यूब में मैं पहले भी एक बार लेक्चर डिलीवर किया हूँ, है ना, इन एजुकेशनल इनोवेशन इन नक्सल अफेक्टेड दंतेवाड़ा, इस हेडिंग के साथ है वो। ठीक है, तो नक्सलिज्म पे जो भी इंडिया का हार्ड कोर जो रेड अलर्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं, पशुपति से तिरुपति तक तो नेपाल से लेते हुए पूरा उस एरिया के बारे में जब आप सोचोगे तो उस एरिया के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे, ठीक है? उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही आपको दिखेगा कि मेनलैंड सिविलाइजेशन से मोस्टली एरिया एक डिस्टेंस बना के रहा है, हिस्ट्री में आप देखोगे तो। और उसके कारण मुझे लगता है कि इन सारे रीजन्स में मोस्टली एक्सपोजर एज सच नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट हिस्ट्री के हिसाब से आप लोगे तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और ये हिस्टोरिकली हैं। ऐसा नहीं कि अभी 20 साल में 30 साल में वहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पुअर हुए हैं, बाय हिस्ट्री ये पूरा सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर कंडीशंस रहा है। कुछ रीजन जैसे इंडिया के मैप में बस्तर वाला रीजन आप लोगे, बस्तर वाला जब रीजन आप लोगे तो वहां पे अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा नक्सलिज्म का नेचर अलग अलग नजर आएगा, ठीक है? जैसे बिहार में आप लोगे तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एक मेजर रीजन रहा है। आंध्रा में तेलंगाना वाले बेल्ट में आप देखोगे या वेस्ट बंगाल वाले बेल्ट में देखोगे तो लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्यूडलिज्म या बड़े जमींदारों का कल्चर, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन रहा है। बट बस्तर टाइप ऑफ नक्सलिज्म को देखोगे तो एकदम टोटली डिफरेंट नजर आएगा। इसमें आपको लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं दिखेगा। वहाँ एक आदिवासी भाई जो कि मतलब ठीक से कपड़े भी जिसके पास नहीं है, पता चलेगा कि उसके नाम पे भी 100 एकड़ से अधिक जमीन है, ठीक है? वहां पे कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी आपको कहीं से नजर नहीं आएगा, फॉर्चुनेटली। और अच्छी बात है कि हमारे ट्राइबल कल्चर में कहीं पर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस सच नहीं है। कास्ट बेस्ड जो हमारे कल्चर के कुछ कमजोर कड़ी है, कास्ट सिस्टम और जेंडर इनइक्वलिटी, ये दो चीजों को हम अपने इंडियन
कल्चर में, इंडियन सिस्टम में कभी भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ट्राइबल कल्चर में आप देखोगे तो ये दोनों चीज नहीं रहता, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं से नहीं रहता और जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी भी ट्राइबल कल्चर में नहीं रहता। तो ये चीज भी आपको बस्तर टाइप सिनारियों में नजर नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट में या जेएंडके में कहीं ना कहीं कंट्री और एक अलग कॉम्प्लिकेशन, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उससे अलगाववाद टाइप की भावना रहती है। लेकिन आप बस्तर टाइप रीजन में देखोगे इस तरह की चीज भी नहीं मिलेगी। तो कुछ नक्सल एरिया ऐसे भी हैं जहां पे ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं, जिसको हम नक्सलवाड़ी में एनालाइज करते हैं या वेस्ट बंगाल की नक्सल हिस्ट्री में एनालाइज करते हैं या आंध्र प्रदेश की नक्सल हिस्ट्री में, हम तेलंगाना वाली नक्सल हिस्ट्री में एनालाइज करते हैं। वो सारे फैक्टर आपको नहीं दिखेंगे। उस फैक्टर को एड्रेस करना भी मैं जरूरी समझता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजन में जो मेनलैंड सिविलाइजेशन से डिस्टेंस था और जो लोगों को एक्सपोजर नहीं था, उसके कारण एक्सट्रीमिज्म वहां पे फैला है, मेरा अपना एनालिसिस है। और बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी एग्री करते हैं, विचारक लोग भी एग्री करते हैं। आप जैसे बहुत सारे रीजन में आप देखोगे कि जैसे इंडिया में इंडियन हिस्ट्री को आप लोगे तो जितने भी बाहरी सिविलाइजेशन आए या बाहरी लोग आए, ठीक है, मोस्टली ये था डायरेक्शन, है ना? क्या डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ वेस्ट, है ना? वही पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान वाले रूट से आते हुए, और मोस्टली ये पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो प्लेन एरिया है ना, उसी में मेन कोई नई सिविलाइजेशन आई, उस पे आई। और अगर कोई कई बार पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया इंटीग्रेशन भी हुआ, तो ऑल इंडिया इंटीग्रेशन में भी आप देखते हैं कि मोस्टली उन सारे रीजन को इनडायरेक्टली हैंडल किया गया, कि कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरी डायनेस्टी कर रही थी, उसने उसका उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और वहां पे इस्टेब्लिश हो गया, इस टाइप से हैंडल किया गया। जितने सी रूट से आए ट्रेडर्स आए, जितने भी ट्रेडर्स आए सी रूट से, उनका रूट पानी वाला था, समुद्र वाला था, इसलिए सी शोर पे ही मोस्टली उनका इंटरेक्शन और उनकी एक्टिविटी रही। ये लैंड लॉक एरिया है, पूरा लैंड लॉक एरिया है जिसमें आप नक्सलिज्म पाओगे, तो उस तरह की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सिविलाइजेशन इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ। आप ब्रिटिशर्स टाइम पे भी देखोगे तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार की ब्रिटिशर्स ने, और डिवाइड एंड रूल ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में भी रखा और दोनों को सेग्रीगेट करने की हमेशा कोशिश की। और इन सारे रीजन को ब्रिटिशर्स ने मोस्टली थ्रू प्रिंसली स्टेट्स रूल किया। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इस एरिया को कैसे हैंडल करना चाहिए उसके लिए क्लियर कट पॉलिसी नहीं डिराइव की गई। वेरियर एल्विन पढ़ते होंगे सोशियोलॉजी वाले, ठीक है, वेरियर एल्विन वाली थ्योरी को कोई सोच रहा है कि इनका कल्चरल इंडिपेंडेंस, कल्चरल आइडेंटिटी हमको इंश्योर करनी है, इसके लिए रोड नहीं बनने देना है, ठीक है, इसके लिए रोड नहीं बनने देना है, रोड नहीं बनने दिए गए। 60s में वहां पे एक कलेक्टर थे बीडी शर्मा, ब्रह्मदत्त शर्मा, ठीक है, वो बड़े आइडियोलॉग भी माने जाते हैं, ठीक है, ही वॉज कलेक्टर ऑफ बस्तर फॉर 6 ईयर्स। वो अबूझमाड़ में सारे रोड वोड सब कैंसिल करा दिए थे, ठीक है, अपने उनकी अपनी विचारधारा थी, ही इज नो मोर नाउ, अब उनकी अपनी विचारधारा थी जो भी था, लेकिन आई एम नॉट एग्री विद दैट कि ऐसा हो, जो उनका अप्रोच था वो सही था पूरी तरह से। तो एक तरफ तो उसको जू की टाइप छोड़ देने का एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है, दूसरे तरफ हम डेवलपमेंट के नाम पे अपनी तरह उसको बना देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको कहा गया कि हम उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को इंश्योर करते हुए डेवलप करेंगे, बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या हेल्थ देंगे, क्या एजुकेशन देंगे, बिजली देंगे नहीं देंगे, रोड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, देयर इज नो क्लियरिटी एट ऑल। तो उसके कारण पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी जो कन्फ्यूज्ड पॉलिसी वाला माइंडसेट रहा, उसके कारण इस रीजन को तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका। और धीरे 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 इतने तेजी से पनपता चला गया, और नक्सलिज्म जब आया तो वहाँ अलग अलग तरीके से और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गए, वायलेंस होने लगा, रोड का लोग अपोजिशन करने लगे, टेरर वाली
वाला एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, उसके कारण सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होते गए और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले 2-3 डिकेट्स में और भी कमजोर होते चले गए। आप उस एरिया का डेवलपमेंट हिस्ट्री देखोगे तो और भी तेजी से कमजोर होते चले गए। ऐसा सिनारियो वहां पे क्रिएट होके रखा हुआ है। वहां पे अब आप उसको बोलोगे कि कैसे उस एरिया को हैंडल किया जाए, तो मेन रीजन जो मुझे समझ में आता है कि देयर इज नो वॉइस ऑफ पीपल। ठीक है, ट्राइबल लोगों की अपनी आवाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एजुकेशन पुअर है, एक्सपोजर पुअर है, लोगों का इंपावरमेंट नहीं हुआ है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है। और आज हम लोग कोई दिल्ली से जाके उनका नुमाइंदा बन रहा है, कोई रायपुर से जाके उनका नुमाइंदा बन रहा है। मतलब वी पीपल आर ट्राइंग टू सी देयर लाइफ फ्रॉम आवर ओन ग्लासेस, और उनकी अपनी कोई आवाज डेवलप नहीं हो पाई, उनकी अपनी कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। ये मुझे लगता है कि मेन रीजन है जिसके कारण इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस वहां पे क्रिएट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे रीजन को हैंडल करना है तो अल्टीमेटली हमको उन लोगों को आवाज देनी पड़ेगी, तभी इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन आ सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन एंड इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। Empowering them is a very time-taking process. कि हम उनको proper education दें, proper health facility develop करें, trickle down theory पे वहाँ believe ना करें। ठीक है, जैसे ही हम development की बात करते हैं, we always think कि वहाँ industry बना देते हैं, वहाँ mining कर लेते हैं। तो जो नक्सल या extremist point of view है कि लोग पूरे tribal area को mining करके के ले लेना चाहते हैं, ये कोई point उतना प्रैक्टिकली आप जाके देखो कि कितनी इंडस्ट्री आई, कितना कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन माय पॉइंट इज कि वहां पे सबसे पहला चीज तो हमको जो करना चाहिए वो है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बिलीव ना करें। हम सीधा फोकस करें स्पॉन्सर डेवलपमेंट पे। ठीक है, वी शुड डायरेक्टली इन्वेस्ट मनी इन दीज रीजंस टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट। HR शुड बी अवर फर्स्ट पॉलिसी। कि ह्यूमन रिसोर्स को हमको डेवलप करना है, ये हमारा पहला पॉलिसी होना चाहिए, फर्स्ट थ्योरी होना चाहिए, HR फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमको काम करना चाहिए। और इस यहाँ पे भी ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मैं इस एरिया में अपोजिशन इसलिए करता हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी कब इफेक्टिव होगी, जब आपके लोग उस डेवलपमेंट प्रोसेस से या इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से उसके जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी उसको कैप्चर करने के लिए एबल रहेंगे, तब तो कर पाएंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट डेवलप्ड, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग करी ही नहीं है, उन्होंने MBA करा ही नहीं है, तो लोकल लोगों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट से फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमको डायरेक्ट स्पॉन्सर डेवलपमेंट करना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें भी HR फर्स्ट का प्रिंसिपल रखना चाहिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी है मान लो तो हमको स्लो प्रोसेस से करना चाहिए, इतनी टाइम लेना चाहिए, इतना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि लोकल ह्यूमन रिसोर्स, लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन इंपावर्ड हो जाए, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी उससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उसको वो कैप्चर कर सके। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत होना चाहिए कि HR फर्स्ट। तो इसके लिए मैं सोचता हूं उस एरिया के लिए कि एक तो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे बिलीव नहीं करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो स्लो करना, इतना स्लो करो कि वहां पे लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सके, इस लायक उनको इनेबल बनाओ पहले। और इस प्रोसेस में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों तरह की पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी, और उनको इतना इम्पावर और स्ट्रेंथन कर देना होगा कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, इसके लिए तैयार करना होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही उनको वो कैप्चर कर सकें। दिस इज बेसिक आइडियोलॉजी फ्रॉम माई साइड कि इस डायरेक्शन में अपने को काम करना चाहिए। वहां पे आप वहां पे एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हम जितना उनका लिमिटेशन बता रहे हैं
मोस्टली जितने नक्सल अफेक्टेड एरिया, एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया हैं, वो नेचुरल ब्यूटी वाले भी एरिया हैं। वहाँ नेचर है, वहाँ मिनरल्स हैं, वहाँ मतलब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल ब्यूटी है ना, पानी है ना, झरना है, पेड़ है, ठीक है। आप बस्तर कितने लोग देखे हो आप में से? अरे वाह, गुड नंबर, ठीक है। बस्तर में कहाँ कहाँ देखे हो आप बताओ? चित्रकूट गए हो और कांगेर वैली, कांगेर वैली और बारसूर, बारसूर किधर से गए थे? गिदम साइड से या चित्रकूट साइड से, माडूम साइड से? गिदम साइड से, ठीक है। जो बस्तर देखा होगा, ठीक है, वो अप्रिशिएट करेगा इस पॉइंट को कि मतलब किसी भी साइट पे आप एक रिसोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। यू नीड नॉट टू चूज द प्लेस, इतना नेचुरल ब्यूटी है, इतना अच्छा नेचर है वहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी। तो मेरा ये कहना है कि नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे इतनी अच्छी है, डेवलपमेंट प्रोसेस में यहाँ पे चल रही है दुनिया, ठीक है। वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न मॉडल, इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल, हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उसी को बोलते हैं। व्हाट एवर वेस्ट इज डूइंग है ना, वी कंसीडर इज डेवलपमेंट, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इससे अच्छी जगह यहाँ पर था, ठीक है, तो बाकी रीजन दिल्ली या हरियाणा या जो चंडीगढ़ है हमारा, वो यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे बस्तर है, यहाँ पे, ठीक है, पीछे है। तो बस्तर है अपॉर्चुनिटी टू चेंज द डायरेक्शन, मेरा ये मानना है, ठीक है, कि बस्तर है अपॉर्चुनिटी टू चेंज द डायरेक्शन। तो कई बार जो पिछड़ापन होता है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि यू कैन एडॉप्ट सम डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल, डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल। तो हमको कंट्री में बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ अलग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है, कुछ अलग पॉलिसी फ्रेमिंग करने की जरूरत है। बाय दैट वे वी कैन गो समवेयर एल्स, हम ले जा सकते हैं जो इस तरह के रीजन है उनको। तो इसको हमको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखना चाहिए। दूसरा जो डेवलपमेंट में मैं बोल रहा था कि एचआर फर्स्ट, तो सिंपल, जैसे कि किसी नक्सल एरिया को डेवलप करना है तो क्या करें, ठीक है, सिंपल से टू द पॉइंट बात करते हैं, क्या करें वहां पे। तो आप एक देखोगे वहां पे एक बड़ा लिमिटेशन आपको मिलेगा कि ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यू विल फाइंड। फॉर एग्जांपल बस्तर 1998 तक एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट था और उसका एरिया है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, केरल से बड़ा मैं यही एग्जाम्पल बोलता हूँ, लार्जर देन केरला, एक डिस्ट्रिक्ट। अब एक कलेक्टर यार वो दो साल में क्या करेगा, वो अपना घूम फिर के दो चार है ना तीर्थ चला के आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो इट वॉज लाइक दैट सिंस टिल 1998, टिल 1998, अभी अभी तक, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इट्स नाउ 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो जो लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है उसका प्रैक्टिकल लॉस तो हमको समझ में आ ही रहा है, और थोड़ा सा उसको एलोबरेट करें कि एडमिनिस्ट्रेशन का जब रीच नहीं होगा तो हम लोग जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो उस सोसाइटी तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। भाई उसको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा तब तो समझ में आएगा किसी को, ठीक है। आई ऑलवेज अप्रिशिएट PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, बिकॉज इट्स रीचिंग टू द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ अबूझमाड़ आल्सो, ठीक है। और एक छोटी सी चीज नहीं होती है तो सोसाइटी को, लोगों को कितना लॉस होता है, इसको आप समझना चाहें तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चिरौंजी एक होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, वो कितने किलो मिलता है? बहुत महंगा आता है ना, बहुत महंगा आता है। उसको, चिरौंजी को लाकर ट्राइबल्स बाजार में जाते थे और उसके बदले नमक लाते थे, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट लाइफ सेल्फ सस्टेंड हो सकता है बट दो चीजें वहां नहीं हो सकती, नमक और मिट्टी का तेल, केरोसिन,
ठीक है, दो चीजें तो नहीं हो सकती वहां पे। तो बेचारे नमक के लिए डिपेंडेंट हैं, तो चिरौंजी को लाकर बटर सिस्टम से नमक लेकर जाते थे। और पीडीएस को मैं सबसे अप्रिसिएट करने बाकी बात की बात है कि उससे कितना आईएमआर इंप्रूव हुआ है, एमएमआर इंप्रूव हुआ, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। आईएमआर एमएमआर सारे फैक्टर सारे इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, बट फर्स्ट थिंग जो एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्राइबल रीजन वाज साल्ट, नमक, ठीक है, तो उसको एड्रेस करता है। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सॉल्ट टू ट्राइबल्स, दीज आर सिंबोलिक ऑल्सो समटाइम्स, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द गैप, यू आर एबल टू सी देयर प्रॉब्लम, ये सेंसिटिविटी से आता है। तो आई रियली अप्रिसिएट पीडीएस बिकॉज ऑफ सॉल्ट इन ट्राइबल लाइफ। तो इस तरह की जो लाइफ चल रही है, इस तरह की उनकी जिंदगी चल रही है, उसमें आप इस तरह के इंटरवेंशन करते हो। और मेरा ये कहना था कि लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है तो आप वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं पाते हो, ठीक है। पब्लिक के लिए दिखता ही नहीं कि कोई अच्छा चीज होता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, ये कौन है क्या है, मतलब दे फील लाइक कि मतलब एक इंटरफेयरिंग क्रिएचर टाइप फील करते हैं, ठीक है। उनका एक्सपोजर कितना है, उनका एक्सपोजर है पटवारी का, उनका एक्सपोजर है एक हवलदार का, उनका एक एक्सपोजर है फॉरेस्ट गार्ड का, उसी मान लो कोटवार पटवारी एक ही प्रजाति मान लो, ठीक है ठीक है, एक ही स्पीसीज है, ठीक है। तो सिंपल देखो, वो कौन से लोग हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, स्टिल आई हैव सीन माई इन माई आईज, ठीक है। अभी मैं 5-6 दिन पहले अबूझमाड़ में अंदर घुसा था, 38 किलोमीटर, ठीक है, बाई टेकिंग ऑल द रिस्क, ठीक है। तो 38 किलोमीटर तक अंदर देख के मैं आया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी चलता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहां पे होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है वहां पे पटवारी आके बोलता है कि ये सरकारी जमीन है, प्राइवेट जमीन है, तेरा है, तेरा नहीं है, एंड ऑल, ठीक है। हाउ दे कैन कोरिलेट विथ यूर LRC लैंड रेवेन्यू कोड विथ देयर कल्चर, यार सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अबूझमाड़िया पीपल, ठीक है। तो व्हाट दे विल फील अबाउट पटवारी वर्क, कि ये इंटरफेयर करता है साला, ऐसे ही लगेगा ना कि ये बहुत हमको आके वो करता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ हवलदार रोल, ठीक है, पुलिस वाला क्या बोलेगा कि एक दूसरे को मार दिया, मतलब अनफॉर्चुनेटली किलिंग इज वेरी कॉमन इन ट्राइबल कल्चर, मतलब एक दूसरे को मार देना बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन, ठीक है। और हाँ नहीं, इतना नहीं है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा होता है, मतलब मर्डर वर्डर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो और वो अपना चलता है उनका सोशल जस्टिस सिस्टम से, है ना, नहीं नहीं नहीं, सोशल जस्टिस मतलब उनका जो अपना वो है जस्टिस सिस्टम है, जो सोसाइटी सोशल लीडर जो होते हैं, हाँ, ऑर्थोडॉक्स जो उनका जस्टिस सिस्टम, उससे उनको पनिशमेंट वगैरह जो भी होना होगा, ठीक है। बट जी नहीं नहीं, वहां पर तो नहीं है, नहीं। तो तो मतलब अब वहां पे हवलदार जाके बोलेगा 302 तेरे पे IPC लगेगा, तूने इसको गाली दी है, गाली तो दिया है यार, बोलेगा मन में सोचेगा क्या किया है, ठीक है, वहां पे IPC की बात करेगा। फॉरेस्ट गार्ड जाके क्या बोलेगा, देयर होल लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट, होल लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट, कि इस सीजन में महुआ लेना है, इस सीजन में तेंदू पत्ता करना है, इसमें चिरौंजी निकालना है, इस सीजन देयर होल लाइफ साइकिल, पूरा मंथ वाइज उनका लाइफ साइकिल उसी से बंधा हुआ है, फॉरेस्ट से, ठीक है। वहां पे जाकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सिखाएगा 1980, ठीक है, कि तुम इसको नहीं छू सकते, उसको नहीं छू सकते, ठीक है। तो मेरा ये कहना कि सारे लोगों का, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो जो भी एक्सपोजर है उनको, ये सारे लोगों का जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयरिंग नेचर का है, ठीक है। और एक्चुअल सेंस में गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन और गुड हेल्थ, ये सब चीज तो इम्बाइब उनके माइंड में हम कर ही नहीं पाते। तो उसके कारण से जो लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बोल रहा था, बड़े बड़े जिले, मैन पावर की कमी, ह्यूमन रिसोर्स की कमी, इन सब का इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल और एक आइडियोलॉजी डेवलप होने में तक जाता है उसका इम्पैक्ट।
उसी बीच में उनको कोई एजुकेशन नहीं है, दे डोंट नो स्कूल, दे डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट नो सरकार, ठीक है, और उसमें जाके कोई सिखा दिया उनको कि है ना ये तुम्हारे शोषक हैं, ठीक है ये है ना, तो उसको तो वही चीज लगेगा, जो जो चीज मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो वहां पे सबके सामने मतलब यू कैन सी द सीन, ठीक है, जिसमें बाप को बेटे से या बेटे को बाप से भी मरवाया जाता है, मतलब जो उनका नहीं ट्राइबल्स का नहीं बोल रहा हूं, एक्सट्रीमिस्ट का बोल रहा हूं, जन अदालत जो लगता है, जन अदालत में मतलब ऐसा भी होता है कि ये तुम्हारा बेटा पुलिस को मुखबिरी करता है, वेरी सिंपल, कि किसी को बोलना कि भाई ये मुखबिरी करता है, इसको मारेंगे आज, ठीक है, और इतना क्रुएलिटी से किया जाता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली एक तो उस तक हम पहुंचे नहीं, ठीक है, कोई दूसरा पहुंच गया पहले, हम उनके डायलेक्ट को सीखना नहीं चाहते, एक्सट्रीमिस्ट उनके डायलेक्ट में कैंपेनिंग कर रहा है, उनके गीत के फॉर्म में, उनके डायलेक्ट में, उनकी चीजों में, ठीक है, तो ये कमजोरी हमारी रही है कि वी वेयर नॉट एबल टू रीच टू दोज पीपल, ठीक है, तो ये सारा चीज का प्रॉब्लम होता है, और इस तरह से वो एक धीरे 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 डेवलप हो जाता है। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट पैराडिग्म में पहला चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाओ, मैन पावर बढ़ाओ वहां पे, ठीक है। तो अगला चीज आप फोकस करो एजुकेशन पे, एजुकेशन को मैं ज्यादा बड़े टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आई यूज टू से इट इज लाइक एचआर मैपिंग, ठीक है, एचआर मैपिंग मतलब एक कंप्लीट, देखो वहां पे एक प्लस पॉइंट है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो एंड पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में भी काफी कम है, तो बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कम पैसे डालकर भी हम वहां पे पूरी एचआर मैपिंग कर सकते हैं कि भाई इतने बच्चे हैं, इनको हम ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, ऐसे इनको एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, उसके बाद इनका यहाँ पे हायर एजुकेशन इंश्योर करेंगे, इसके बाद इतने लोगों को मेडिकल साइड में डेवलप करेंगे, इतने लोगों को इंजीनियरिंग साइड में ले जाएंगे, इतने लोगों को सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, इतने लोगों की स्किलिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कल हम बात कर रहे थे कि रिवर्स मैपिंग जब करते हैं तब समझ में आता है कि कितना भयावह सिचुएशन है, कि हम अननेसेसरी कितने लोग क्रिएट कर रहे हैं। यू जस्ट थिंक अप कि रिवर्स प्रोसेस ना करके फॉरवर्ड प्रोसेसिंग करो कि भाई कि हम इतने इतने लोगों को ऐसे ऐसे मैप करके ऐसी प्लानिंग करेंगे। यू जस्ट थिंक अप अ कंप्लीट एचआर मैपिंग, और ज्यादा संख्या नहीं है, और इतना कास्ट बियर करना पड़ेगा अगर इस रीजन को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और जितने फोर्स में जितना खर्चा होता है और हो रहा है और आगे होता रहेगा, अगर इसको एक जनरेशनल इशू मानकर अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो आगे भी होता रहेगा, तो उस हिसाब से कॉस्ट कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं कंट्री के सॉवरेनिटी की, तब ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो वी हैव टू डू अ कंप्लीट एचआर मैपिंग, उनका कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट एजुकेशन, और एक वायबल ऑप्शन तक उनको पहुंचाना, ये चीज होना चाहिए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि नक्सलिज्म को अल्टीमेटली एक जनरेशन के प्रॉब्लम के रूप में हमको देखना पड़ेगा, कि एक जनरेशन को हम एजुकेशन, एक्सपोजर, एम्पावरमेंट नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले जनरेशन को ये सारा चीज हम करके देंगे और एक वायबल ऑप्शन करके देंगे। ये जब तक मेंटलिटी हमारी क्लियर नहीं होगी हमारी पॉलिसीज की, एंड वी हैव टू प्लान फॉर एटलीस्ट 20-30-40 ईयर्स कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। आई वाज टॉकिंग अबाउट पोटा केविंस यस्टरडे, जो 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, 50.3% मतलब जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो वो 50 से नीचे था, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, 50.3% चिल्ड्रन वेयर आउट ऑफ स्कूल, तो हाफ ऑफ जनरेशन इज आउट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम, तो उनको हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में लाएं, ठीक है, उसको हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम में लाएं। अब एजुकेट करोगे 8th क्लास तक, और पोटा केविन मॉडल इज फॉर क्लास 1 टू क्लास 8th, तो जब बच्चा 8th में पहुंच जाएगा
फिर एक नया प्रॉब्लम आएगा, उसको नाइन्थ कैसे पढ़ाएं, टेंथ कैसे पढ़ाएं, उसके पेरेंट्स तो बेचारे कास्ट अफोर्ड करने की सिचुएशन में नहीं है, तो देन यू विल फेस दैट प्रॉब्लम कि उनको नाइन्थ कैसे पढ़ाएं, टेंथ कैसे पढ़ाएं, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम कि उनको इलेवंथ कैसे पढ़ाएं, ट्वेल्थ कैसे पढ़ाएं, जब ट्वेल्थ कर लेगा देन यू विल फेस अगेन अ प्रॉब्लम कि इनको हायर एजुकेशन में हम कैसे इम्बाइब करें या स्किल डेवलपमेंट में कैसे ले जाएं या कैसे करें। और अगर कंप्लीट एचआर मैपिंग नहीं है, और करना आसान भी नहीं है, इतना आसान है नहीं बोल रहा हूं, अगर कंप्लीट एचआर मैपिंग नहीं है तो फिर एक सिचुएशन ऐसा आएगा, कंप्लीट एचआर मैपिंग नहीं है तो फिर एजुकेटेड पर्सन वाला प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी भी एक समस्या है ना, ठीक है, वो बेचारा अभी तो चुपचाप जंगल में है, बैठा हुआ है, ठीक है, और जितना एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम हो रहा है, कल की डेट में अपने अपने पास अगर एक क्लियर कट पॉलिसी नहीं है तो वी विल फेस अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, बट लोग मतलब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जो मैं एजुकेशन मॉडल की बात करता हूँ या मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि इसका मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आवाज नहीं है, लोगों को एम्पावरमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जो जैसे उनको हाँकना चाहता है हाँकने की कोशिश कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी वाला एक्सट्रीमिस्ट आके अपने तरीके से उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, इवन गवर्नमेंट एंड सिस्टम भी उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वॉइस। जब उनकी अपनी आवाज होगी, ठीक है, तो वो सिस्टम को भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एजुकेशन से मैं क्लेम नहीं कर रहा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, द नेचर ऑफ प्रॉब्लम विल चेंज, इश्यूज विल चेंज, ठीक है, विच इज मच बेटर सिचुएशन फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी सिस्टम, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी लॉजिकल वे में सोच पाएगा। ठीक है, दैट इज माय पॉइंट, उस सिस्टम को भी क्वेश्चन रेज करेगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही विल आस्क क्वेश्चन टू एनी आइडियोलॉजी आल्सो। ठीक है, तो अपने आप में बेटर सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, और अगर इफ यू आर एबल टू मैप इट प्रॉपरली तो हम इसको एक अच्छे कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, मतलब अपने आप में एजुकेशन एक वर्ड से सब कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू थिंक ऑफ एंड टू एंड सॉल्यूशन, यू हैव टू इंश्योर अ गुड कंक्लूजन, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल। लेकिन मतलब देना तो सबसे पहले, एजुकेशन देना तो सबसे पहले जरूरत है, बिकॉज इन मेनी फोरम आई फेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक कि लोग बोलते हैं कि यू आर यूजिंग एजुकेशन एज अ टूल टू किल नक्सलिज्म, आई फेस सच क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, माय पॉइंट इज कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, हर एक आदमी को अधिकार है भाई शिक्षित होने का, और इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिस्टम, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन, और उसको उसका एक फंडामेंटल राइट है, उसका माइंड डेवलप होने दो, आप उसका एक सोच डेवलप होने दो, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होने दो, उसको इम्पावर होने दो, उसकी अपनी आवाज डेवलप होने दो, उसके बाद वो डिसीजन लेगा ना उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हु आर वी, हम कौन होते हैं कि कोई आइडियोलॉजी कौन होता है जो ये डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, कब तक हम अपने चश्मे से उनकी लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उनको उनकी आवाज क्रिएट होने दो, उनकी इम्पावर होने दो, उनको एजुकेटेड होने दो, उनको वेल एक्सपोजर होने दो, और उसके बाद वो अपना निर्णय ले खुद कि उनको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मिडिल में जाना है, सेंटर लेफ्ट जाना है, सेंटर राइट जाना है, इट्स देयर चॉइस ना, हु आर वी टू डिसाइड देयर डेस्टिनी। तो माई पॉइंट इज इन दैट वे कि एक उस हिसाब से हमको वहाँ पे एक सोच रखने की जरूरत है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी पे बिलीव नहीं कर सकते, स्पॉन्सर डेवलपमेंट देने की जरूरत है, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की जरूरत है, एजुकेशन के लिए कंप्लीट एचआर मैपिंग करने की जरूरत है, एजुकेशन फैसिलिटी हम पूरी दें वहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटी पूरी दें, कोई अब एजुकेशन जब बोल दिए तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमा का अनार आ का आम ई का इमली सिखाना है उनको, है ना,
मतलब उनके हिसाब से हमको एजुकेशन डेवलप करने की जरूरत है। अक अर अर मतलब रास्ता, आख आक आक मतलब पत्ता, इका इत्ता, इत्ता मतलब इमली। इसे जस्ट स्टार्ट है ना, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई एक आदमी आके बेचारा अपने सेल्फ इनिशिएशन से कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो कर रहा है, कर रहा है। मतलब देर इज अ पर्सन दादा जोकाल, ही इज एक्सपर्ट इन मेनी लैंग्वेज, गोंडी, हल्वी, दीज डायलेक्ट सब ट्राइबल पीपल, अदर देन दैट तेलुगु, तमिल, हिंदी, संस्कृत, ही नोस एवरीथिंग, मलयालम। तो ही वर्क्ड ऑन दिस कि वी शुड डू लाइक दिस फॉर देयर, मतलब कि भाई एजुकेशन में आपके आ रहा है तो बच्चा कंफर्ट फील होना चाहिए। से अचानक कल हमको ले जाए नासा में और एरोनॉटिक्स सिखाने लगे तो बोलेंगे ना कि यार ये कहाँ ले आए, हमको माफ करो, जाने दो। तो वैसी कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको उस तरह से परोसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि जैसे मैंने ये वाला बोला, हम बोल रहे हैं कि यही डेवलपमेंट है, ठीक है, जबकि देयर आर सो मेनी गुड फैक्टर्स इन देयर कल्चर। नेचर कितने क्लोज हैं, नेचर का इतना रिस्पेक्ट है, इतना नेचर को उन्होंने बचा के रखा हुआ है ट्राइबल्स ने, ठीक है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसके अलावा तो नेचर को बचा के रखा है उन्हीं लोगों ने। तो मेरा कहना है कि एजुकेशन लोकल डायलेक्ट में हो, उनके कल्चर के हिसाब से हो, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाला हो और उस टाइप का एजुकेशन हो, ठीक है। जैसे अब अपने आप में लाइन बहुत महीन है, मैं इस चीज को मानता हूं कि जब हम डेवलपमेंट करने जाएंगे तो उनके कल्चर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। बट जितना हम रख सकते हैं उतना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उतना जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट जैसे हेल्थ फैक्टर पे हम जाते हैं, ठीक है, हेल्थ में जाते हैं, मतलब एचआर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट एजुकेशन, वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सपोजर, वी हैव टू टॉक अबाउट हेल्थ, वी हैव टू टॉक अबाउट अप्रोच, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी एंड ऑल, ठीक है, ये सब पे बात करेंगे। जब हेल्थ पे बात करते हैं, अब कोई बोलेगा कल्चरल प्रोटेक्शन, अब कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पे, अभी मैं गया था 5-7 दिन पहले बस्तर में, तो मुझे हुआ फीवर, ठीक है, तो थकान से वायरल टाइप था, एकदम डर लग गया मुझे, मलेरिया हो गया है ना, बस्तर वाला मलेरिया। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक दो दिन अगर इग्नोर किया तो पता चला कि ब्रेन में पहुंचा, मैं मर गया, ठीक है। मैं दौड़ते भागते हुए पहुंचा हॉस्पिटल में, मैं चेक कराया, सबसे पहले मलेरिया चेक कर दो भाई, ठीक है, तो मलेरिया चेक करा रहा, मतलब स्टिल थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ मलेरिया एंड डायरिया, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल प्रोटेक्शन। तो मेरा कहना है कल्चरल प्रोटेक्शन ठीक है भाई, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैज रीच्ड अप टू दैट लेवल, ठीक है, कहां पहुंच गए कई मायनों में, ठीक है, वो डायरेक्शन गलत भी हो सकता है, बट डायरिया और मलेरिया से हजारों लोगों के मौत को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, दैट इज माई पॉइंट। तो इतना तो कम से कम इंटरफेयर करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत कल्चर में चेंज होता है, बेसिक एसेंस ऑफ कल्चर को हम जरूर बचाएं, लेकिन थोड़ा बहुत कल्चर में चेंज होता है तब भी वो कास्ट वेरिएबल है कंपेयर टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायरिया एंड मलेरिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब मेरा तो ये कहना है कि कल्चर किसका नहीं बदलता, है ना, आपके ग्रैंडफादर जैसे रहते रहे होंगे वैसे ही हो तो आप नहीं रहते हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली माई पॉइंट इज कि एजुकेशन का एक अलग फ्रेम, अलग पॉलिसी, अलग तरीका भी होना चाहिए, और कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पे हर चीज से उनको डिप्राइव नहीं कर सकते। मलेरिया डायरिया से हजारों लोग मर जाएं, इसको हम जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते। एंड जब भी एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब भी हम इस एरिया को टेकल करते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, तो दिल्ली वाले सॉल्यूशन वहां देने की हमें कभी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। वन जैकेट अप्रोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे मलेरिया डायरिया वहां पर अभी भी बड़े इशू हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ये क्या होता है पता है आप लोगों को, हसिया टाइप हो जाता है, सिकल के शेप में हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है और उसमें क्राइसिस होते हैं,
और हीमोग्लोबिन की एज कम हो जाती है उसमें एचबी की, और उसके कारण ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और क्राइसिस होते हैं और कम एज में डेथ ये सब होता है, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पॉपुलेशन में आपको बहुत अधिक परसेंटेज में मिलेगा, 70-80%। करियर प्लस फैक्टर दोनों चीज होता है उसमें। फैक्ट करियर इज नॉट दैट हार्मफुल नहीं होता, इट कैन कैरी अप टू नेक्स्ट जनरेशन, बट फैक्टर में आदमी अफेक्टेड होता है, ठीक है, उससे अफेक्ट होता है। दिस इज बिगेस्ट इशू, हेल्थ इशू इन ट्राइबल रीजन। बट आप पूरा अभी मोदी जी हैज डन गुड वर्क इन गुजरात ट्राइबल एरिया में, गुजरात में उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे तब बहुत कुछ किया था उन्होंने, तो अभी उसके फैक्टर्स में आए हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी इन सब में उसका जिक्र ही नहीं होता था, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट सम लोकलाइज स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, इस चीजों को हमको समझना बेहद जरूरी है। और ये हुआ क्यों है पता है ट्राइबल एरिया में? एब्सोल्युटली एडॉप्शन है वो, मतलब मलेरिया नहीं होता, जिसको सीकल वाला जो होता है, हाँ, तो वो एक एडॉप्शन है उसका सेल का, बॉडी का, हाँ, एडॉप्शन फॉर सर्वाइवल है वो, तो इसलिए हुआ है। तो वी हैव टू टॉक लोकली, लोकल इशूज, लोकल सॉल्यूशंस पे हमको बात करना पड़ेगा ट्राइबल रीजन के लिए। एक और छोटा सा चीज एड्रेस कर देता हूं, सिंपल सा एक अप्रोच होता है कि इसको लैंड ऑर्डर इशू के में के रूप में हैंडल करें या सोशियो इकोनॉमिक इशू के रूप में। कोई सोशियो इकोनॉमिक बोलता है तो एक बड़ा ग्रुप पीछे पड़ जाता है, कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलता है तो एक ग्रुप पीछे पड़ जाता है। तो आई थिंक कि बेसिकली इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट इट हैज बीन कन्वर्टेड इन टू ए लैंड ऑर्डर इशू ऑल्सो एज ऑन टूडे। तो आप अगर वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करना चाहते हो, तो भाई आपको लैंड ऑर्डर तो पहले मेंटेन रखना ही पड़ेगा, वहां पे डेवलपमेंट लायक सिनारियो तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इंश्योर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज और एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अब कलेक्टर को ही उठा के ले जाएंगे तो कहां से डेवलपमेंट होगा? तो फोर्स इज रिक्वायर्ड देयर, फोर्स जरूरी है टू इंश्योर अ गुड डेवलपमेंटल एटमोसफियर देयर, कि एक अच्छा एटमोसफियर बनाया जा सके, पब्लिक पोस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को की सेफ्टी इंश्योर की जा सके, इसके लिए फोर्स जरूरी है। आके रोड जब बनाने जाते हैं, ब्रिज बनाने जाते हैं, तो जो व्हीकल्स रहते हैं उनको जला दिया जाता है, आपको पता होगा, है ना, जला दिया जाता है, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स जरूरी है। बट अल्टीमेटली एक सोशल चेंज, एक जनरेशनल चेंज और एक कल्चरल फैक्टर्स को इम्बाइब करते हुए, इनकलकेट करते हुए एक पॉलिसी की जरूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, जिससे इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जा सके। और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं एचआर के आसपास होगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी पे बिलीव नहीं कर सकते जब तक ह्यूमन रिसोर्स को हम वहाँ पे प्रिपेयर ना कर लें। और ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छे से प्रिपेयर हो गया, देन वी कैन थिंक अप अदर अप्रोच आल्सो। और ये जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखता हूँ। वी कैन प्लान सच थिंग कि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखते हुए, टूरिज्म एक्टिविटी को कुछ कुछ प्रमोट करते हुए जॉब क्रिएशन किया जा सकता है, ठीक है, लॉट ऑफ अदर इशूज आल्सो। तो उस हिसाब से हमको देखने की ज़रूरत है। और जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक पूरा दिल्ली में, दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ का एटमॉस्फियर था वेस्टर्न यूपी, उस तरह के जो फॉरेस्ट लॉस थे उसको देखकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना दिया गया 1980 में। बट वहाँ पे इतना कठोर एक्ट बना, इतना डिफिकल्ट एक्ट बना कि वहाँ एक आंगनबाड़ी स्कूल बनाने में मुश्किल जाता है कलेक्टर को जो। तो अभी कुछ पिछले 5-10 सालों में इन इशूज को समझा गया और अभी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है कि डाइवर्ट करने के लिए लैंड को, मतलब फॉर स्मॉल पर्पस 1 हेक्टेयर डाइवर्सन इज अलाउड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ऐसे डिसेंट्रलाइज किया गया उसके परमिशन वगैरह को, और इंडिविजुअल के जो राइट्स थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले, और कल मैं एजुकेशन सिटी वाले
प्रोजेक्ट में परसों बता रहा था हाउ टू इंगेज पब्लिक, तो उसमें मतलब हमारी जमीन थी, हमारे बाप दादा ने साफ किया वाला जो फीलिंग रहता है, तो दे फील लाइक दैट। तो अभी इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स जो अभी दे जा रहे हैं वो सब पिछले 8-10 सालों में समझा गया है, बट ये सारे इश्यूज हैं। कनेक्टिविटी आप नहीं देते, कल्चर वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कि अबूझमाड़ इज अ रीजन ऑफ 4,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1/10 ऑफ बस्तर रीजन, एक अच्छे खासे डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एरिया मान लो। इट्स स्टिल अनसर्वेड पार्ट ऑफ इंडिया, अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है उसका, सर्वे ही नहीं हुआ है। और टिल 2010 के आसपास तक, विदाउट परमिशन ऑफ कलेक्टर यू कैन नॉट एंटर इन अबूझमाड़, ऐसा प्रोविजन था, मतलब उसमें एंटर करने के लिए भी, तो इतना मतलब आपने उसको जकड़ दिया था। तो इस तरह के सिनारियो, इस तरह के रीजन हैं। आप मतलब दुनिया में कोई भी रोड जाता है तो उसमें आप बोलते हो एक लैंड लॉक एरिया है, इंडिया के सेंटर में, मतलब सदर्न सेंटर, व्हाट एवर यू डिफाइन ईस्टर्न सेंटर, जो भी वहाँ पे एक एरिया है, उस पर आप जाके बोलते हो कि ये रोड कहाँ जाती है, तो वहाँ पे बोलेंगे लोग कि ये बीजापुर जाती है। और कहाँ जाती है, बोले भोपालपट्टनम, बोले और आगे, बोले बस वहीं तक। मतलब लैंड लॉक एरिया है और वहाँ पे भी रोड का एक ब्लाइंड एंड है, मतलब इट्स नॉट, कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब बड़ा ही अजीब है। किरंदुल भी वही लास्ट है ना, तिमेड़ वाला जो बीजापुर से आगे भोपालपट्टनम वाला जो रोड है, तिमेड़ करके एक पॉइंट है आज़ादी के, जी तिमेड़ पॉइंट लास्ट है, उसको हम लोग हर जगह हल्ला करते थे सारे मीटिंगों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ पे ब्रिज बनना, तो ब्रिज ही नहीं बना। उधर से अगर वो ब्रिज बन जाए तो इट विल बी कनेक्टेड टू नागपुर, नागपुर हैदराबाद ये सब बहुत पास हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी आप नहीं दे रहे हो, तो ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और उसको आप मतलब एकदम क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास कि आप भाई आगे आने वाले 4 साल में क्या करना चाहते हो, 10 साल में क्या करना चाहते हो, 20 साल में कहाँ देखते हो, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हो नहीं चाहते हो, कितना चाहते हो, माइनिंग कितना करना है कितना नहीं करना है, ठीक है, एजुकेशन जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो क्या करना है, टूरिज्म बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, किस किस पॉइंट को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल तक डेवलप करेंगे, इतने दिनों में इसको डेवलप करेंगे। इफ यू डोंट हैव अ क्लियर कट पॉलिसी देन वी कैन नॉट हैंडल सच रीजन। जी प्लीज, एब्सोल्युटली, और वो एक्सप्लॉइट करते हैं उसको, वहां पे वो भी कर दिया गया था ना, बैन कर दिया गया था पिछली बार, उन्होंने खत्म कर दिया था। हाँ नहीं, क्या पॉलिसी की बात कर रहे हो, हाँ नहीं वही तो मैं बोल, देयर इज नो पॉलिसी, अभी तो कोई ऐसा पॉलिसी ही नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करें। हाँ नहीं देखो, फिर वही वाली बात है, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए। आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ कि इनिशियल एजुकेशन लोकल लैंग्वेज नहीं, लोकल डायलेक्ट में हो, बट अगर आपका माइंड डेवलप है तो आप 25 लैंग्वेज सीख सकते हो, सच्चाई यही है। लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता है किसी चीज को करने के लिए, आगे जाने के लिए। तो एक तो लैंग्वेज का भूत, और दूसरा जो फॉर्मल एजुकेशन का भूत, ठीक है, जो जितना कम कक्षा पढ़ के अपना दिमाग दौड़ाएगा उतना ज़्यादा होशियार बनेगा, ठीक है। हम लोग जब यूपीएससी तैयारी करते थे, हिंदी लिटरेचर मेरा एक सब्जेक्ट था, तो एक डॉक्टर रामेश्वर राय टीचर हुआ करते थे, डी यू में प्रोफेसर अभी हिंदू में, हाँ नहीं नहीं लिटरेचर पढ़ाते थे, है ना, वो ऐसे आते थे कभी कभार 2 महीना, और एक दो तीन साल आए उसके बाद भाग गए वो, है ना। तो उनको, उनसे पढ़ लेना मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ, ही वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अलग टाइप का उनका स्टाइल था। तो मतलब डॉक्टर राय ऐसे ही बोलते थे कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे बीच में, सर इसको कैसे लिखेंगे, एम एस में या इंटरव्यू में, और ये सब। तो ही यूज टू टेल कि मतलब
बोलते थे कि मैं कोई पैकेज टूर का गाइड नहीं हूँ, बोलते थे जो तुम कोई भी बताएगा कि यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है, बोले मैं एक टॉर्च दे रहा हूँ उससे लाइट मारो जो दिखेगा चलते जाओ, बोलते ठीक है। तो मतलब ही मतलब वो इस तरह से चीजों को एक्सप्लोर करते। क्या बात कर रहे थे हम लोग, मैं भूल गया। हाँ हल्बी को नहीं, आप गोंडी हल्बी पढ़ लेगा तो क्या होगा बोल रहे हो? नहीं तुम वो एक्सट्रीमिज्म में क्या होगा बोले, कुछ बोले अभी तो। नहीं मेरा ये मानना है कि अगर एक वेल एक्सपोज्ड माइंड है, ठीक है, वेल एक्सपोज्ड माइंड है, वेल एजुकेटेड माइंड है, तो वो वायलेंस के रास्ते को कभी अडॉप्ट नहीं करेगा। मेरा ये अपना बिलीव है, चाहे उसे गोंडी हल्बी में पढ़ाओ, चाहे हिंदी में पढ़ाओ, चाहे इंग्लिश में पढ़ाओ। तो मैं भूल जा रहा था डॉक्टर राय जो बोलते थे, वहां पे आता हूँ मैं, तो वो बोलते थे एक, मैं बोला लैंग्वेज का भूत, दूसरा फॉर्मल एजुकेशन का भूत। ठीक है, मैंने भी अपने जिंदगी में उतना ही क्लास पढ़ा है जितना यूपीएससी देने के लिए जरूरी था। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई क्लास ना पढ़ा है ना पढ़ूंगा जीवन में। ठीक है, तो वो बोलते थे कि जैसे कोई कोई आता था ना बच्चा, तो उसको एक तो ये बोलते थे वो वाला पैकेज टूर वाला, दूसरा उनका बहुत ही अच्छा पॉइंट रहता था कि बोलते थे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो एक उनका एक चीज होता था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो क्या तो उनका एक और अगला लाइन होता था कि यूनिवर्सिटी का अधकचरा ज्ञान क्लासरूम के बाहर छोड़ के आया करें। ठीक है, और जो लोग यूनिवर्सिटी में लिटरेचर नहीं पढ़े हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा बोलते थे। ठीक है, मैं आई एम नॉट टेलिंग दिस कि इतना खटिया है हमारा एजुकेशन सिस्टम, बट उसको उसका हवा नहीं बनाना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो मेरा कहना गोंडी हल्बी हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी हो, एक वेल एजुकेटेड माइंड, एक वेल इन्फॉर्म्ड माइंड, एक वेल एक्सपोज्ड माइंड कभी भी वायलेंस के रास्ते को नहीं चुनेगा। इस चीज को शायद आपको एग्री करना चाहिए। देखो ऑटोनॉमस काउंसिल के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि पार्टिसिपेशन हर चीज का एक एक फेज होता है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, बट कोई बीई नहीं किया है, कोई एमबीए नहीं किया है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के साथ नहीं है, तो वहां जो ट्रांसपोर्टर रहेगा वो भी बाहर से आ जाएगा, वहां जो ठेकेदार रहेगा वो भी बाहर से चला जाएगा, वहां मैनेजमेंट पोस्ट में भी बाहर से चला जाएगा। सेम चीज अप्लाई होगा काउंसिल पे, है ना। काउंसिल में अगर वही वाली बात है ना कि कोई वेल एक्सपोज नहीं है और उसको सारे अधिकार दे दोगे तो फिर उसका मिसयूज होगा। तो अल्टीमेट इंपावरमेंट एजुकेशन और जितना जल्दी ह्यूमन रिसोर्स को आगे ले जा सको फिर काउंसिल भी सक्सेस होगा, सब चीज होगा। नक्सल्स के, एक्सट्रीमिस्ट के, उनका इमीडिएट डिमांड क्या है? देयर लॉन्ग टर्म गोल इज देयर लाल किला। ठीक है, दे बिलीव इन दिस थिंग कि हम, है ना, बैरल ऑफ गन से पावर निकलती है और उससे लाल किला पहुंचना है। आई एम राइटिंग अ बुक, उसमें इलेक्शन का एक चैप्टर लिखा है मैंने। ठीक है, क्या चीज? नहीं, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी ना, पहला पॉइंट तो यही है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ते ही नहीं, है ना। मतलब दे डोंट बिलीव इन योर इलेक्शन, दे डोंट बिलीव इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। मतलब बेसिक आइडियोलॉजी तो यही है ना, मतलब उनका कहना है कि डेमोक्रेसी इज मतलब जो क्रोनी कैपिटलिज्म, दे डिफाइन डेमोक्रेसी एज क्रोनी कैपिटलिज्म, और ये लोग सब मिलजुल के निपटा रहे हैं। ठीक है, बेसिक देयर कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा सिस्टम सब कुछ सही है। दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट। दे डोंट फाइट इन इलेक्शन, बट नेचुरल सीपीआई एग्जिस्ट देयर। ठीक है, सीपीआई एग्जिस्ट करता है ना। मनीष कुंजाम हमेशा इलेक्शन फाइट करते हैं, ही इज सीपीआई लीडर देयर।
और सीपीआई के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर एक्सट्रीमिस्ट का होता है ना। अर्लियर महेंद्र कर्मा वहां सीपीआई पर्सन जो सलवा जुडूम का सबसे बड़ा लीडर था, वो पहले सीपीआई में था, ठीक है, एंड ही हैज ओन इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आल्सो लोकसभा इलेक्शन, उनको मारा था बाद में। यार देखो, जो अखबारों में आता है ना बहुत ही गलत आता है, मैं इतना जरूर बोलूंगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब पीपल इतने एलिगेशन लगाती हैं कि यहाँ रेप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, यू जस्ट इमेजिन दैट साइकोलॉजी यार। इफ यू गो टू इंटीरियर एरिया ऑफ दंतेवाड़ा, ठीक है, इंटीरियर एरिया ऑफ अबूझमाड़, ठीक है, मतलब उस जो फोर्स जाती है उसकी जो साइकोलॉजी रहती कि इधर से गोली आएगी कि उधर से गोली आएगी, ठीक है, उस सिचुएशन को, उस साइकोलॉजिकल सिचुएशन को इमेजिन करो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया में किसी का आज तक फोर्स ने रेप नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस ही होगा जो मैं समझता हूँ। तुम ऑपरेशन में गए हो, ठीक है, कब कहाँ से गोली आएगी उसका पता नहीं है, ठीक है, कभी फायरिंग इनकाउंटर में फंसता है आदमी वो जानता है, ठीक है, ठीक है, उस साइकोलॉजी में रेप मतलब इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। एक्सेप्शनल केस होते होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता, एक्सेप्शनल केस हुए होंगे, होते होंगे, हो रहा होगा, मैं उसको पूरा डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरह से मीडिया में जैसे दिखाया जाता है बिल्कुल गलत है, और कई जगह फोर्स को वेलकम भी किया जाता है, मतलब जो आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वो पूरी तरह से टेरर पर बेस्ड है, सपोर्ट पे बहुत कम बेस्ड है, ठीक है, एवरीथिंग विल गो इन टू यूट्यूब, ठीक है, तो इसलिए मैं एक लिमिट तक बोल रहा हूँ, ठीक है। नेता बनने के बाद कैमरे की आदत हो गई थी, एक गांव में मेरे मुंह से थोड़ा सा निकल गया तो मुझे पूरा हो हल्ला हो गया था, है ना, बहुत नुकसान हुआ मेरा, ठीक है, तो ठीक है, नहीं एक्चुअली मतलब मैं बात कर रहा हूं अबूझमाड़ की, आई एम टेलिंग दीज पॉइंट्स टू यू आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद सिस्टम और नक्सल्स, उनसे इंटरेक्शन करके उनका व्यू पॉइंट जानने के बाद बात कर रहा हूं, मैं हवा हवाई में नहीं बोल रहा हूं कि फोर्स को वेलकम किया जाता है कई जगहों पर, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने की बात बोल रहा हूँ जिनको ना नक्सल से मतलब है ना सिस्टम से मतलब है, ठीक है, प्लीज। नहीं देखो एक्चुअली क्या है, मतलब एक पैरेलल सिस्टम जब चलने लगता है तो किसी चीज को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अब जंगल में कोई आदमी है जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है, एक बार जाना फोर्स की एक बार एंट्री एक चीज है, वहां पे स्कूल खोल देना, रेसिडेंशियल हॉस्टल खोल देना एक चीज है, वहां पे अस्पताल बना देना भी एक चीज है, लेकिन कंटिन्यूअस 24/7/365 किसी की सिक्योरिटी इंश्योर करना जो वहीं पे रह रहा है या वहां पे काम कर रहा है, सिंपली इट्स वेरी डिफिकल्ट। तुम यहां पे सोचो ना कि दिल्ली में भी चोरी हो जाता है यार, डकैती हो जाती है, रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो अबूझमाड़ का सोचो, एब्सोल्युटली यू आर राइट, वो इंटरनेशनल चैनल्स और वो सब भी बहुत ज्यादा हैं और उस पर काम करने की जरूरत है, काम होता भी होगा, बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती कि रॉ क्या कर रहा है, कि है ना आईबी क्या कर रहा है, किसको कैच कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चलती, तो वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। जी we have to have the isolation, we want to isolate the other man, try to monitor the
मतलब आई डोंट बिलीव इन दिस आइसोलेशन पर्सनली, है ना, इंडिविजुअली आई डोंट बिलीव इन दिस आइसोलेशन. मतलब लेट देम एजुकेटेड एंड लेट देम डिसाइड, हु आर वी टू डिसाइड देयर डेस्टिनी, दैट इज माई पॉइंट. और देयर एजुकेशन शुड बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन. व्हेन आई से एजुकेशन देन अनदर कॉम्प्लेक्सिटी इज इन्वॉल्व, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है कि, है ना, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. देयर शुड बी एजुकेशन बट व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज अनदर क्वेश्चन. नहीं, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि वी आर द पर्सन हु विल डिसाइड हाउ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन. करिकुलम, मतलब यू विल फाइंड सच पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर कल्चर. यू हैव टू इंगेज सच पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर कल्चर, हु आर एक्सपर्ट ऑफ देयर डायलेक्ट. ठीक है, आई हैव सीन सच पीपल. आई वॉज मेंशनिंग दादा जोकाल. ठीक है, ही इज द सच टाइप ऑफ पर्सन हु हैज नथिंग टू डू विद सिस्टम और ट्राइबल और समथिंग लाइक दैट. ही इज जस्ट एन एक्सपर्ट. ठीक है, एंड ही लव्स टू नो अबाउट देयर कल्चर एंड थिंग. ठीक है, तो वेन एवर आई राइट सम चैप्टर आई ऑलवेज कॉन्टेक्ट हिम कि ये बताओ वो बताओ एंड ऑल. तो मतलब ही सेज लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब विच वी कांट इमेजिन कि ऐसा भी कोई बता सकता है. तो यू हैव टू फाइंड सच पीपल, यू हैव टू इंगेज सच पीपल जो उनमें इंटरेस्ट लेके उसमें इन डेप्थ जा सकें. सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी. ठीक है, वी आर वेरी सेल्फिश पीपल. ठीक है, बट वी रिक्वायर पैशनेट पीपल. इफ यू विल इस्टेब्लिश सच सेंटर्स, सच यूनिवर्सिटीज, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, है ना, वी हैव टू प्रमोट ऑल दीज थिंग्स. अल्टीमेट डेवलपमेंट इज दैट. तो अभी तो हम स्ट्रगल इसी पे कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार कैसे दे दें, प्लम्बर कैसे बना दें, इलेक्ट्रीशियन कैसे बना दें. बट इफ यू विल थिंक अबाउट रियल डेवलपमेंट, we have to ensure all these things, जिसके बारे में अभी कोई सोचता भी नहीं है. कंपल्सरी मतलब एक्चुअली मैं तो बिलीव करता हूं भाई कि डेमोक्रेसी में, मतलब नहीं, उस बहुत सारे स्टेट में पंचायत इलेक्शंस के लिए है कंपल्सन. बट ही इज टेलिंग द राइट पॉइंट कि एमपी के लिए आपका कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, नहीं देखो, हाँ वो फिर अपने हिसाब से चलाएगा वो. नहीं तो वैसे ही आईएएस अफसर चलाएगा भी बोल सकते हो ना, है ना. नहीं, हमारे अभी छत्तीसगढ़ में मिस्टर कवासी लखमा बिकम मिनिस्टर ऑफ एक्साइज एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है, एंड ही इज टोटली इलिटरेट. ठीक है, तो अभी तक वो साइन बस करते हैं. ठीक है, मतलब मैं, बट उसको डेमोक्रेसी में फॉर्मल एजुकेशन को इतना मतलब इम्पोर्टेंस देना, ये हमारा अपना मतलब बायसनेस है. ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर्स, पब्लिक मैटर्स, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स, पब्लिक वोट मैटर्स, वोटर्स वोट मैटर्स. ठीक है, इल्लीगल है उसको, हमको लग रहा है इलिटरेट है वो, हमको लग रहा है कि वो मतलब नहीं कर सकता लग रहा है, तो पब्लिक वोट ना करे ना. पब्लिक से जीत के क्यों आ रहा है वो, पब्लिक को लग रहा है ना कि वो कर सकता है, आपको मेरे लगने से क्या होता है. डेफिनेटली सचिव का भी इसीलिए पंचायत में बनाया गया है, पढ़ने लिखने काम करके उसको बताएगा. बट नेचुरल एक इट्स अ बिग हैंडीकैप ऑल्सो कि उल्टे सीधे जगह फिर साइन करा लेते हैं, फिर मतलब तो सरपंच फंस जाता है और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस वो प्रॉब्लम्स होते हैं. यू आर राइट, बट उसको थ्योरेटिकली हम सही नहीं समझ ठहरा सकते और इसको हम ट्रांजिशनल प्रॉब्लम बोल सकते हैं.
ठीक है, ट्रांजिशनल प्रॉब्लम. इफ आवर कंट्री इज इलिटरेट, आवर लिटरेसी रेट इज लो, दैट्स वाई वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम. व्हेन इलिटरेसी रेट विल इंक्रीज देन वी विल नॉट फेस सच प्रॉब्लम. ठीक है, बट आइडियोलॉजिकली उस चीज को तो सही बोल ही नहीं सकते इन अ डेमोक्रेसी. एब्सोल्यूटली इट्स अ स्टेट फेलियर, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज, झारखंड में देखो, झारखंड में भी नक्सलिज्म है, बट दैट इज ड्रिवन बाय एमसीसी, है ना. और जो तेलंगाना वाला जो नक्सलिज्म एक्सट्रीमिज्म है, इट्स रन बाय पीपल्स वॉर ग्रुप, है ना. एक हो गए हैं, ठीक है, वो मर्जिंग भी हुआ है, बट देन ऑल्सो सबका कल्चर अलग है, वे ऑफ ऑपरेशन अलग है. ठीक है, एमसीसी में ज्यादा लूटपाट, बदमाशी, गुंडागर्दी इस टाइप है. ठीक है, जो साउथ वाला है, तेलंगाना वाला पीपल्स वॉल ग्रुप पीडब्ल्यूजी वाला, वो कंपैरेटिवली ज्यादा आइडियोलॉजिकल है आई मस्ट से. और वहां का सिचुएशन, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, कल्चरल सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी नक्सलिज्म था पहले और साउथ में भी था. नॉर्थ वाला तुरंत ठीक हो गया. ठीक है, एसआरपी कल्लूरी जब वहां गए, 2-3 साल में ठीक हो गया. ठीक है, लेकिन साउथ में एसआरपी कल्लूरी कितने साल रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब उस हिसाब से. तो सिचुएशन ही टोटली डिफरेंट. अब केपीएस गिल को भी हमारी सरकार लेके गई थी. ठीक है, तो एक्चुअली पूरा कल्चरल सिचुएशन, उनका ऑपरेट करने का सिचुएशन, ज्योग्राफिकल कंडीशंस टोटली डिफरेंट है दोनों जगहों पे. सर, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी एज ए स्टेट, तो झारखंड में न्यू रायपुर जैसे प्लान्स क्यों नहीं, मतलब आप आते हैं? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ठीक है, 15 साल एक सीएम वहां पे काम किए, और मतलब बहुत डिसेंटली और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. ठीक है, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है. और आपके यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, इनस्टेबिलिटी, करप्शन. और जब इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी आती है पॉलिटिकल बॉडी में, तो मुझे लगता है करप्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है. जब नेता को लग रहा है कि मैं 2-3 साल में निपट सकता हूँ, तो कुछ भी कर लेगा. इट हैपन्स. प्लीज, देखो, अपना अभी जो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट जो है, यू कैन डू इट. ठीक है, बट उसका जो कोलेटरल डैमेज होगा ऑफ आवर ओन पीपल, अ डेमोक्रेसी कैन नॉट बियर दैट कॉस्ट. Because there are identified extremists. यहां पे आप identified नहीं कर सकते, point number one. Point number two, which is much more important thing, कि जो extremist है उसको how you are responsible for that, system is responsible for that. He doesn't know what is constitution, he doesn't know what is democracy. He doesn't know what is welfare state. और वो भी जन मिलिशिया बन के घूम रहा है. आपका सिस्टम नहीं पहुंचा वहां पे, कोई दूसरा पहुंच के उसको गन थमा दिया है. एंड यू कैन इमेजिन द ग्लेमर ऑफ गन इन अ लॉलेस सोसाइटी. सर, मेरी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अगर छत्तीसगढ़ से कोई आईएएस बन के निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो नेक्सलाइट, जहां नेक्सल स्कूल में, जिस जो नेक्सल स्कूल में गएंगे, वो भी तो उसी स्कूल में गया होगा ना. नहीं, यू डोंट मेक सच परसेप्शन. ठीक है, नहीं, एक्चुअली छत्तीसगढ़ मींस देयर इज रायपुर आल्सो, है ना, वेयर वर्ल्ड क्लास नया रायपुर इज कमिंग अप, है ना. दंतेवाड़ा इज, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायपुर. ठीक है, आई बिलोंग टू रायगढ़. दंतेवाड़ा इज 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगढ़. And if you will talk about Dantewada,
इन दंतेवाड़ा ऑल्सो यू विल फाइंड आईसीएससी बोर्ड स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, देयर लेयर्स। जैसे आप अभी आपको लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के आदमी को लगता है पूरा दंतेवाड़ा नक्सल अफेक्टेड है। जब वो दंतेवाड़ा जाओगे तुम तो वहां पे देखो कि आईसीएससी बोर्ड स्कूल भी है और वहां पे मतलब एक वेल डेवलप्ड सिचुएशन भी है, ठीक है, फिर उससे और लेयर जाओगे, लेयर्स है ना, ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। जितना आप नीचे जाओगे उतना इंटीरियर, उतना बैकवर्डनेस मिलता जाएगा आपको। और जो परसेप्शन में प्रॉब्लम यही है, परसेप्शन में प्रॉब्लम यही है कि यहां से हम पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वही परसेप्शन बना लेंगे, पूरे झारखंड के लिए परसेप्शन बना लेंगे, नहीं, इट हैपेंस, ठीक है। अब हमको मतलब लगे कि छत्तीसगढ़ जा रहा हूं तो योर पेरेंट्स विल आस्क व्हाई यू आर गोइंग, ठीक है, इफ देयर इज नो, इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, मैं कोई इंडिविजुअल बेस नहीं बोल रहा हूं, ये होता ही है। और किसी भी एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है परसेप्शन, है ना। जेएंडके में आपको, ठीक है, मैं जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरी वाइफ बोली चलो जेएंडके चलते हैं, ठीक है, तो मैं बोला यार मैं अपने लाइफ को इतने आसानी से नीचे मरना चाहता, ठीक है, आई एम रेडी टू डाई बट इतने इजीली नहीं मरना चाहता, ठीक है। तो सी टोल्ड कि तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम, है ना, मतलब कि तुम ऐसे सोचते हो कि हाउ यू कैन मेक सच परसेप्शन अबाउट जेएंडके, ठीक है, वो बहुत घूमी हुई जेएंडके, ठीक है, कि तुम ऐसे परसेप्शन कैसे बना सकते हो, तुम्हें छत्तीसगढ़ के लिए कोई ऐसे बोलता है तो कैसे लगता है। तो व्हेन यू विल गो टू जेएंडके देन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो वैसे ही परसेप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज ऑफ दैट टूरिज्म डेवलप नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट फाइंड गुड टीचर, गुड डॉक्टर, ऑल प्रॉब्लम्स यू विल फेस। तो ये परसेप्शन वाला प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे रीजन का, एंड इट कैन बी सॉल्व स्लोली एंड बाय मोबिलिटी, बाहर वाले लोग अंदर आए, अंदर वाले लोग बाहर जाए, वो मोबिलिटी होगी तभी परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होगा। तो एचआर मैपिंग उसी लिए तो बोल रहा हूं मैं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि क्रिएट देयर ओन वॉइस, मेक देम इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस, देन ओनली थिंग्स विल हैपन। बहुत ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है जी क्योंकि यहां डिस्क्रिशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, मीडिया प्रेशर कम होता है, डिस्क्रिशनरी फंड्स ज्यादा होते हैं, तो यू कैन डू मच बेटर इन दोज एरियाज, प्लीज मैम। नहीं नहीं नहीं, देखो जो बैकलॉग है वो बैकलॉग कोई 10-20 साल का बैकलॉग नहीं है, इट्स हिस्टोरिकल बैकलॉग, तो एक हिस्टोरिकल बैकलॉग है इसलिए फुलफिल करने में टाइम लग रहा है। आपको लग रहा है इतना काम हुआ, इफ यू विल गो टू दंतेवाड़ा यू विल थिंक कि हाँ इतना काम कैसे हो गया है, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक ट्रांजिट हॉस्टल, कलेक्टर बिल्डिंग, कम्युनिटी हॉल, रेसिडेंशियल प्लेसेस, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, यू विल फाइंड वर्ल्ड क्लास देयर, बट प्राइवेट डेवलपमेंट इज नॉट प्रेजेंट देयर। वो तो वेकेंट रहेगा ना, एक नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस में प्राइवेट जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बैकलॉग है वो हिस्टोरिकल बैकलॉग है, उसको मीट आउट करने में टाइम लगेगा। जब सामने वाला टॉक करना चाहे तब तो करोगे। नहीं देखो मतलब तेलंगाना में हुआ, आंध्रा में पहले, ठीक है, ठीक है, यू कैन नॉट कंपेयर PWG एक्सट्रीमिज्म विद असम इंसर्जेंसी, टोटली बोथ इंसर्जेंसीज आर टोटली डिफरेंट। और तेलंगाना में पीस टॉक चला था, उसमें एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो देयर क्लेम इज कि एक फेथ वाला ट्रस्ट वाला इन्वायरमेंट बिल्डअप नहीं हुआ है, उनका मानना ही है, ठीक है। और देयर मेन एम टारगेट इज रेड फोर्ट, तो बातचीत कैसे हो सकती है, ठीक है, एक चीज। और मतलब दे आर नॉट क्लेमिंग ना कि हम ट्राइबल राइट के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है।
भाई आपका यूएसएसआर में चाइना में है ना लेफ्ट रिजिम रूल किया है ना, नहीं दे आर नॉट, दे डोंट बिलीव इन योर डेमोक्रेसी, दे डोंट बिलीव इन योर इलेक्शन प्रोसेस। नहीं देखो एवरीवेयर सीएम ने, अभी हमारे प्रेजेंट सीएम ने भी आते ही कहा हम बातचीत करना चाहते हैं, बट वी हैव नॉट गॉट अ सिंगल लाइन रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। जो डॉक्टर रमन सिंह जी थे 15 साल सीएम थे, वो हर मंच पे हर फोरम पे उन्होंने बोला है कि वी वॉन्ट टू इंश्योर अ टॉक, पीस टॉक। जी प्लीज। या डेफिनेटली, बट जैसे ह्यूमन रिसोर्स का जो मतलब जो नॉन एक्सपोजर है वो उतना ज़्यादा जेएंडके में नहीं है, जेएंडके में उतना ज़्यादा नहीं है। कई इंसर्जेंसी हैं जो कि वेल एक्सपोज्ड और वेल एजुकेटेड द्वारा भी हो रही हैं, है ना, वो हो रही हैं। या डेफिनेटली, मतलब देयर इज विंग ऑफ एनजीओस, देयर इज विंग ऑफ मीडिया पीपल, लायर्स, है ना, इस तरह का विंग है, और वो भी बिलीव करते हैं कि दिस डेमोक्रेसी इज क्रोनी कैपिटलिज्म, सब मिल बांट के बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ, देखो एक्सट्रीमिज्म के अलग अलग सेफ हैं, अलग अलग फेस हैं। ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट पुणे कोरिलेशन, वो जो वो वाला गांव था ना भीमापुर, हाँ आई डोंट नो एग्जैक्ट कोरिलेशन, बट अलग अलग सेफ अलग अलग फेस कोरिलेशन कहीं हो भी सकता है। ठीक है, ये अर्बन मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ ऑल्सो, है ना, ब्लेमिंग देम इज फाइन, वी आर ब्लेमिंग देम, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ ऑल्सो। जब हमारे में सच्चाई रहेगी तो चीजें इंप्रूव होंगी। अब ये सब तो स्टेप होते हैं और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, सही भी होते हैं। अब उसको क्या बोले जी, प्लीज क्लोज करते हैं, है ना, दूसरा अपना अपना क्लास होना है नेक्स्ट, है ना। हाँ अब वो तो गांधी जी सॉल्यूशन दे सकते हैं उसका, एब्सोल्युटली यू आर राइट। मतलब देखो हम बोल रहे हैं अभी कि मलेरिया डायरिया से हजारों लोग मर रहे हैं, ठीक है, पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और हर घर के गैप पे अभी कैंसर पेशेंट है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली अवर फॉल्ट तो है अपने डेवलपमेंट मॉडल में, है ना, दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग ऑफ दैट डायरेक्शन ना। ठीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं अब जैसे पंजाब में अब हर एक घर के, पंजाब से है कोई, ठीक है, हर घर के एक घर के गैप में आपको कैंसर पेशेंट मिल जाएगा, पूरे ट्रेन के ट्रेन जाती है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपने पेस्टिसाइड यूज करना चालू किया, आपने मतलब फर्टिलाइजर्स यूज किया और अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच गए। तो अब मलेरिया डायरिया से मरो या कैंसर से मरो, ठीक है, एक तरह से तो एक ही चीज हो गया, और हालांकि उसको हम डेवलपमेंट मान रहे हैं, पंजाब सो कॉल्ड वेरी डेवलप्ड प्लेस बट पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि डिसीज हो ही ना, ऑलवेज बेटर कि डिसीज हो ही ना, और ये तभी संभव है जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच हो, और अल्टीमेटली वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का जो वेस्टर्न मॉडल है उसी को हम डेवलपमेंट मानते हैं, उसी को हम सिटी मानते हैं, उसी को हम एजुकेशन मानते हैं, और वी आर जस्ट रनिंग। लेकिन आप जैसे आप देखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वेस्ट में कितना स्ट्रांगली चल रहा है। आप न्यूजीलैंड जाओगे कितना मतलब आपकी चेकिंग होती है, मतलब कोई दूसरा फल ना ले आया, बीज ना ले आया, यहाँ उग जाएगा हमारा, खराब हो जाएगा इन्वायरमेंट एंड ऑल, है ना। तो वेस्ट काफी समझ गया, बट वी ब्लाइंड फॉलोअर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो
वही है कि कहीं ना कहीं मतलब है डेवलपमेंट प्रोसेस में, या जो आइडियोलॉजी जिसको हम डेवलपमेंट मान रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब देखो फिर तो ब्यूरोक्रेटिक आंसर करना है, जो यूपीएससी वाला आंसर करना है, तो उसमें वही है ना, तो उसमें तो वैसे ही बात करोगे कि उनके कल्चरल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखेंगे और ऐसा रिहैबिलिटेशन करेंगे जिसमें उसका सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक भी डिस्टर्ब ना हो एंड ऑल, वो सब बात करेंगे। बट इतना आसान नहीं होता, और किसी न किसी को डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसमें किसी न किसी कॉस्ट को तो कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अल्टीमेटली जो हमारा ओल्ड मॉडल है क्लोज टू नेचर साथ में फिलॉसफी की अपरिग्रह, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपरिग्रह, संचय ना करना, कलेक्ट ना करना, इकट्ठा ना करना, बुद्धिज्म में आता है, नहीं कंजर्व नहीं, उसका एंटी वर्ड, उसका कुछ डिफाइन टर्मिनोलॉजी होगी, फिलोसॉफिकल वर्ड, बुद्धिज्म में आता है, हा? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट ना करना, दिस इज बेसिक इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो जगत गुरु वाला है उसी में है ना, वेदर वी विल एक्सेप्ट इट आर नॉट, ठीक है, वी मे क्रिटिसाइज कि ये ऑर्थोडॉक्स सोच है एंड ऑल, बट अल्टीमेटली नेचर के साथ रह के ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और नेचर के साथ रहने जाओगे तो अल्टीमेटली गांधीयन मॉडल पे कम से कम जाना पड़ेगा, सेल्फ सस्टेन, प्रकृति लोगों की जरूरत को, नीड को फुलफिल कर सकती है, उनके ग्रीड को कभी एड्रेस नहीं कर सकती। बट बेसिकली व्हाट वी आर कंसीडरिंग डेवलपमेंट मॉडल वो तो ग्रीड पर ही बेस्ड है कि हमको कार भी चाहिए, किसी को पब्लिक बस में जाना नहीं है, अभी वो अपनों कर रहे थे स्मार्ट सिटी, अभी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल चल रहा है वेस्ट में, ठीक है, और हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कार खरीदवा खरीदवा के, ठीक है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना वेस्ट यूज कर रहा है या डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही हैं, उससे ज़्यादा यहाँ एक सोशियो स्टेटस बना दिया गया है। वहाँ पे जुकरबर्ग भी बस में चढ़ जाता होगा, ठीक है, बिल गेट्स भी बस में चढ़ जाता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑटो लेने में हमको भी थोड़ी शर्म आ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी चलता है अभी, वी हैव अप्लाइड दिस थिंग इन नया रायपुर मॉडल आल्सो। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको डोर स्टेप तक पहुंचाना, क्लोजेस्ट टू योर डोर, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फिक्स अ रेलवे लेन आल्सो, BRTS सिस्टम आल्सो, बस सिस्टम आल्सो, एंड बाइसिकल सिस्टम आल्सो, मतलब रेंटल बेस्ड बाइक्स, बाइसिकल्स, तो वी हैव टू गो टूवर्ड्स दैट। मतलब अल्टीमेटली वेस्ट जो अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसके कहीं ना कहीं थ्योरीज हमारे पास पहले से ही हैं। आई एम नॉट क्लेमिंग कि हर चीज पुराना उठा के डाल दो, आई एम नॉट क्लेमिंग कि हर चीज वही है, बट बेसिकली प्रिंसिपल वाइज एंड आइडियोलॉजी वाइज एंड फिलोसफी वाइज थिंग्स आर लाइक दैट ओनली। नहीं हो पाएगा, एग्रीड एग्रीड, बट माय पॉइंट इज कि पहले उनको आवाज तो दो, है ना, मतलब इफ दे आर नॉट वेल अवेयर्ड हाउ दे कैन मेक डिसीजंस, माय पॉइंट इज दैट,
फर्स्ट टू एजुकेट देम, एक्सपोजर दो, एजुकेशन दो, इम्पावर करो, देन एनी मॉडल विल वर्क. ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग योर मॉडल. फिफ्थ शेड्यूल की चीजें अभी वहां पे लागू नहीं हुई हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस बॉडी व्हिच इज इन सिक्स्थ शेड्यूल. ठीक है, इम्पावर कैसे होंगे? रियल इम्पावरमेंट तभी होगा जब वो वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपोजर होंगे, फिर दे कैन मेक देयर डिसीजन. हमको और दूसरा कुछ करना है ना? ठीक, थैंक यू सो मच.